अच्छा, नमस्कार दोस्तों, HSC की तरफ से आज एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे, इन हमारे पास ये चार अपडेट है CET ग्रुप 56 की, हरियाणा पुलिस नोटिस जो आने वाला है, ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में और CET मेंस के जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं उनके बारे में। मैं आपका अपना वीर सुख ब्लॉग चैनल सुखा हवलदार, जय हिंद, सभी को राम राम। तो जैसे कि आपको सभी को पता है, ग्रुप 56-57 की जो हाई कोर्ट में सटे लगा हुआ है भाई, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मोरल डाउन है उनका, क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा है काफ़ी समय से, और सभी कैंडिडेट आगे तैयारी की बजाय पीछे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन कैंडिडेटों की तरफ से हम ये गुहार लगाते हैं चेयरमैन साहब से कि ग्रुप 56 और 57 इसका जो हाईकोर्ट में सटे लगी है, इसकी हेयरिंग को लंबी ना करके छोटी से छोटी डेट लेके इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करें और सभी कैंडिडेटों को अपने रिजल्ट सुनाए, ताकि वो अपने अपने जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिसका अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, वो क्लियर कर सके। अब बात आती है कि हरियाणा पुलिस नोटिस की। हरियाणा पुलिस नोटिस आपको आज रात को या कल तक 100% देखने को मिलेगा। ये HSC की तरफ से एक नई अपडेट आई हुई है, तो ध्यान दें, जो CET जिनका क्लियर है वो तैयारी रखें PST PMT की, और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, फिजिकल पे और स्टडी पे। और जो भी फिजिकल से रिलेटेड वीडियो होंगी, हम एक दो दिन में डालने वाले हैं, रेगुलर डालने वाले हैं, और जो भी नोटिस HSC की तरफ से आएगा वो हमारे टेलीग्राम वीर सुख चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। जो भी PDF या नोटिस किसी प्रकार की लिस्ट HSC की तरफ से जारी होती है, हम टेलीग्राम पे डालते हैं, तो आप तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके बाद आता है ग्रुप डी का रिजल्ट। जैसे CM साहब के कुछ दिन पहले बयान आए थे कि पहले सी ग्रुप की भर्तियों का निपटारा किया जाएगा, उसके बाद हम ग्रुप डी का रिजल्ट देंगे, और उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जो कैंडिडेट सी ग्रुप में सेलेक्ट हो गए और उनके चांस है डी ग्रुप में भी। अच्छी बात है कि सी ग्रुप में वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन अच्छी बात उनके लिए भी है जिनका ग्रुप डी में कम नंबर हैं, जो कि आंसर की आई हुई थी, कम नंबर बन रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर यहाँ 56-57 का सी ग्रुप का, जितने भी सी ग्रुप के एग्ज़ाम हैं उनका रिजल्ट पहले आता है, तो चांस है उन जवानों के, उन कैंडिडेटों के जिनके कम नंबर है, ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के 100%। ये इसी सी ग्रुप के जितने भी रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, तो डी ग्रुप में जो डाउन कट ऑफ जाएगी वो इसी वजह से जाएगी, और हर उस कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिसके नंबर डाउन है, वो उम्मीद ना छोड़े ना लगने की। हम श्योर करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो और अच्छे से हो। अब इसके बाद आता है CET मेंस के जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, ये एग्ज़ाम लगभग 24 फरवरी या उसके एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। रही बात फिर जो अपना रिजल्ट है, वो बहुत ही जल्द HSC जारी करेगी जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि सबको पता है कि अप्रैल में इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन करके ये HSC चेयरमैन साहब जो है रिजल्ट जल्दी घोषित करेंगे और ज्वाइनिंग देंगे सबको। और हम उम्मीद करते हैं भाई, जो भी जवान कैंडिडेट तैयारी कर रहा है दिल से, उसका सिलेक्शन हो, और चेयरमैन से भी गुहार करते हैं कि ये 56-57 की जो एग्ज़ाम हेयरिंग है उसको जल्दी से जल्दी निपटाए और रिजल्ट को घोषित करें। तो आप जानते हो सभी के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है, और वो बेचारे पार्ट टाइम में जॉब करके अपना घर भी चलाते हैं, अपनी स्टडी का खर्चा भी निकालते हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि घर में भी पैसे देने पड़ते हैं लेकिन किताबों के लिए पैसे नहीं होते। तो वो कैंडिडेट बहुत लंबे समय से
तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छा हुआ है, और वो रिजल्ट नहीं आ रहा, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कैंडिडेटों का, उस गरीब लड़के का मोरल डाउन हो जाता है। तो उन जो सरकार 5 नंबर दे रही है वो भी हम सभी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इससे घर घर में नौकरी मिलेगी। तो हम चेयरमैन साहब से गुहार लगाते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें, क्योंकि किसी गरीब के घर में एक नौकरी देना बहुत बड़ी बात है, ताकि उसकी समाज, आज जिसके घर में नौकरी नहीं है, हरियाणा प्रदेश में ये माना जाता है कि एक नौकरी वाला बहुत बड़ा आदमी है और नौकरी वाले की ही इज्जत है, माना जाता है ऐसा अपने हरियाणा में। तो आप मोरल डाउन ना करें, वो कैंडिडेट जिसने अच्छा, जिसका अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, आप जैसे भी आपकी स्थिति है, जैसे भी आपके हालात हैं, आप अपने गोल जो है उसको, उस पर फोकस रखें, आपकी, आपका संघर्ष आपकी सफलता ज़रूर दिलाएगा। तो वीरसुख ब्लॉग चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, और जो HSC से संबंधित अपडेट जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।